अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या होती है और आप लोग किस तरह से इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हुए अपने बिजनेस को, अपनी प्रोफाइल को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डीपनेस में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में आपको नहीं समझाऊंगी कि एड मैनेजर कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं। हमारा मेन फोकस जो है वो यहाँ पे होगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे। ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से नहीं। तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग में सबसे पहले अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है इंस्टाग्राम, जो हमारा एक बिजनेस प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कोर्स में, क्योंकि पूरा कोर्स जो है वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, तो इस पूरे कोर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से एक बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कि हम किस तरह से बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह से कंटेंट प्लान करके हम पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, जिससे हमारी ऑडियंस जो क्या बिल्ड होगी, हमारे अकाउंट पे ज़्यादा रीच होगी, रीच होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट जो है वो ग्रो करेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर करने वाली हूँ इस कोर्स में, बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। और उसके बाद इंस्टाग्राम के जो बेसिक एडवर्टाइजमेंट के टूल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है, जो कि यूज़र्स जो हैं वो कि इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद, इंस्टाग्राम को आप लोग जानते हैं ये एक मार्केटिंग टूल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। अगर किसी का ऑनलाइन बिजनेस है या फिज़िकल बिजनेस है, लेकिन वो फिर भी अपने अकाउंट को इस्टेब्लिश करवाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बिज़नेस अकाउंट लाजमी होना चाहिए एक बिज़नेस मैन के लिए। उसके बाद, इंस्टाग्राम के इंट्रोडक्शन के बाद, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलूँ इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म इन 2023, तो अगर हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें, तो मैं पहले सोच रही थी कि 2022 लिख के मैं आप लोगों को यहाँ पे सारा समझाऊँ, लेकिन अब 2023 चल रहा है, तो इस वजह से हम 2023 को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो 1 मिलियन एक्टिव मंथली यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, यू नो दैट 1 बिलियन जो कि एक्टिव यूज़र हैं मंथली पूरी दुनिया में, इंस्टाग्राम के 1 बिलियन मंथली यूज़र्स जो हैं वो इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो 1 अरब लोग इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। जो लोग नहीं यूज़ कर रहे, उनका मस्ता चाइना में, जो कि इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी पाबंदी है, इंस्टाग्राम थोड़ा सा वहाँ पर यूज़ नहीं होता, लेकिन उन्हें छोड़ के कई लोग जो हैं जिनके पास मोबाइल्स नहीं हैं वो नहीं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे। दूसरा ये कि जहाँ पे अलाउ नहीं है। तीसरा ये कि जिन्हें पता नहीं है। चौथा ये कि कई लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, या वो कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसको स्किप करके। तो इसके बाद जो कि डेली के यूज़र्स हैं वो हैं 500 मिलियन डेली यूज़र्स। ओके, सेकेंड मोस्ट ब्राउज सोशल मीडिया नेटवर्क आफ्टर फेसबुक। बहुत ज़्यादा ब्राउज सर्च करने वाला, सर्च किया जाने वाला जो कि ये एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक के बाद। फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा जो कि इसकी प्रोग्रेस हुई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक साथ साथ ही हैं, क्योंकि अब तो मीटा ने भी इन्हें बाय कर लिया है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक साथ साथ ही हर जगह होती हैं। ठीक है, आप लोग अगर कोई भी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर करने लगें, तो आप लोगों को सजेशन दिया जाता है कि अगर आप लोग अपना बिज़नेस अकाउंट पर, अगर फेसबुक के अकाउंट पर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोनों अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 90% यूज़र फॉलो एटलीस्ट 1 बिज़नेस प्रोफाइल। अब इसमें देखिए, 100% अगर लोग इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से 90% यूज़र्स ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जो 1 बिज़नेस प्रोफाइल को लाजमी फॉलो करते हैं। मतलब कि बिज़नेस, यानी कि लोगों को अच्छा लगता है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन बाय, किसी भी चीज़ को ख़रीदना लोगों को अच्छा लगता है, और लोग इसे अच्छा समझते हैं, और किसी न किसी बिज़नेस प्रोफाइल को वो लोग 90% पीपल बिजनेस प्रोफाइल को फॉलो करते हैं। मोर देन 83% पीपल हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये है कि 83% जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्टाग्राम से लेते हैं। किस चीज़ के, अगर कोई भी चीज़ उन्हें डिस्कवर हुई है, किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें पता चला है, तो 83% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का कहीं और से नहीं पता चलता, सिर्फ इंस्टाग्राम से ही पता चलता है। तो इंस्टाग्राम, इट्स मीन दैट इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लाइक जस्ट इंटरटेनमेंट, इंस्टाग्राम इज़ अ सोर्स ऑफ बिल्ड आवर बिजनेस, ग्रो आवर बिजनेस।
आई होप आप लोगों को इंस्टाग्राम का ये जो मैंने बताया है इस कोर्स में, इंस्टाग्राम को जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंस्टाग्राम को एज अ प्लेटफॉर्म आपके सामने शो किया है और आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोगों को समझ आई होगी कि इंस्टाग्राम क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली इंस्टाग्राम का एक डेमो दूंगी कि आप लोग किस तरह से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं और इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते चलते आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोग अपनी पोस्ट को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग ज़्यादा रीच अपने अकाउंट पे ला सकते हैं यूज़फुल हैशटैग यूज़ करके और स्टोरीज वगैरह अपडेट करके, किस तरह से आप लोग अपना अपनी एक प्रोफाइल जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अच्छी एक प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म भी हो गया, इंस्टाग्राम का इंट्रोडक्शन भी हो गया। इस कोर्स को मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, आप लोग जब चाहें ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट कोर्स की नेक्स्ट क्लास तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।